हेलो गाइस, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राज और आज हम लेके आए हैं वर्ल्ड की टॉप 10 सबसे ऊंची बिल्डिंग। ये गाना तो आपने सुना ही होगा, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं दिल रजामन है। अगर इतनी ऊंची बिल्डिंग होगी और लिफ्ट बंद होगी तो भला कोई कैसे चढ़ेगा इस बिल्डिंग पर। तो ऐसे ही वर्ल्ड की टॉप 10 टॉलेस्ट बिल्डिंग को हम लेके आए हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे कि उसको कैसे बनाया गया है और क्या क्या इसमें खूबियां है। टॉप 10 टॉलेस्ट बिल्डिंग की लिस्ट में नंबर 1 पे है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा, वाह। वैसे दोस्तों, बुर्ज खलीफा का नाम तो किसने नहीं सुना होगा। दुबई की शान कहे जाने वाली मानव इतिहास की अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंगों में से एक है। हम तो सोच भी नहीं सकते कि भला ऐसी और इतनी बड़ी इमारत कोई कैसे बना सकता है। तो चलो वर्ल्ड की नंबर 1 बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बारे में कुछ जान लेते हैं। 6 जनवरी 2004 को इमार प्रॉपर्टी द्वारा इसी इमारत की नींव रखी गई थी। इसे अमेरिकन आर्किटेक्चर एंड्रियल स्मिथ मार्शल स्ट्रबाला ने इस बिल्डिंग की डिजाइन की थी और इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम कोरियन कंपनी सैमसंग सिटी कॉरपोरेट के द्वारा किया गया था। इस इमारत को बनाने की शुरुआत 6 जनवरी 2004 को हुई थी और 2009 को ये बिल्डिंग बनाकर तैयार कर दी गई थी। इस इमारत की कुल लंबाई करीबन 828 मीटर यानी कि 2770 फीट है और इसमें टोटल 163 मंजिल है। 4 जनवरी 2010 को इस इमारत को ओपन किया गया था और इस इमारत को बनाने में करीबन 1.5 बिलियन यूएस डॉलर की लागत से ये बिल्डिंग बनाई गई थी। इसके बाद नंबर 2 पे है शंघाई टावर। शंघाई टावर, वाव, क्या नाम है, पर क्या करे। सुना है कि यह चाइना की नंबर 1 और वर्ल्ड की नंबर 2 सबसे ऊंची बिल्डिंग है और साथ में ये भी सुना था कि ये प्रोजेक्ट सुपर फ्लॉप हुआ था। खैर, इन बातों से हमें क्या लेना। तो चलिए हम शंघाई के बारे में कुछ अनसुनी बातें जान लें। 29 नवंबर 2008 को शंघाई म्यूनिसिपल इन्वेस्टमेंट ग्रुप द्वारा इस गजब की बिल्डिंग की नींव रखी गई थी। मार्शल ट्रासबाला, एंडी कोहेन और जन जिया ने इस टावर को आर्किटेक्ट किया है और इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम थॉर्नटन टॉमसेटी, आइडिया इकोलोजन सॉल्यूशन, कॉन्सेंटिन एसोसिएशन ने किया था। इस टावर की ऊंचाई करीबन 632 मीटर यानी कि 2073 फीट है और इसमें टोटल 128 मंजिले हैं। इस बिल्डिंग को बनाने की शुरुआत 21 नवंबर 2008 को हुई थी और 2 सितंबर 2014 को पूरी हो गई और इसी के साथ 2 फरवरी 2015 को इसे ओपन किया गया और इस बिल्डिंग को बनाने में करीबन 15.7 बिलियन चाइनीज करेंसी का खर्च हुआ। इसके बाद नंबर 3 पे है मक्का ब्लॉक रॉयल टावर। ये क्लॉक टावर सऊदी अरेबिया का मक्का में 7 होटलों का एक सरकारी संकुल है। ये टावर किंग अब्दुल अजीज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, मतलब कि ये टावर सबसे बड़ी घड़ियाल के रूप में भी देखा जाता है, जो वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इमारत में शामिल हो गई है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस टावर की नींव 2004 में रखी गई थी और 2012 में इसका काम पूर्ण होते ही इसे ओपन करार दिया गया था। इस टावर की ऊंचाई तकरीबन 601 मीटर यानी कि 1972 फीट और इस टावर 33 लाख स्क्वायर फीट में पूरी तरह से फैला हुआ है। इस टावर को सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी सऊदी बिन लादेन ग्रुप द्वारा की गई है और इसमें जर्मन आर्किटेक्चर मोहम्मद बोडी राज और एसएल राज द्वारा किया गया है और इस बिल्डिंग को बनाने में 15 बिलियन यूएसडी डॉलर से ये मक्का क्लॉक रॉयल टावर बना है। इसके बाद नंबर 4 पे है पिंग एंड फाइनेंस सेंटर। ये पिंग एंड फाइनेंस सेंटर वर्ल्ड की नंबर 4 सबसे ऊंची बिल्डिंगों में से एक है और चाइना की नंबर 2 पे है और इस पूरी बिल्डिंग में ऑफिस, होटल और हाई एंड शॉपिंग मॉल है। इस फाइनेंस सेंटर की 29 अगस्त 2009 को इस बिल्डिंग की नींव रखी गई थी और 28 मार्च 2017 को कंप्लीट तैयार करके ओपन किया गया था। इस टावर की टोटल ऊंचाई करीबन 600 मीटर यानी कि 1967 फीट है और इसे 41 लाख स्क्वायर फीट में बनाया गया है। इस टावर को अमेरिकन आर्किटेक्चर कोहन पेडरसन फॉक एसोसिएशन द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे चाइनीज कंस्ट्रक्शन फर्स्ट बिल्डिंग ग्रुप ने कंस्ट्रक्शन का काम किया था और इस बिल्डिंग को बनाने में करीबन 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च हुआ था। इसके बाद नंबर 5 पे है लोटे वर्ल्ड टावर।
ये टावर दक्षिण कोरिया का सबसे ऊंचा टावर है और वर्ल्ड की नंबर 5 पर ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में ऑफिस, लोटे होटल, रेसिडेंसी और शॉपिंग मॉल भी बनाए गए हैं। लोटे वर्ल्ड टावर की नींव 22 जनवरी 2010 को रखी गई थी और 22 दिसंबर 2016 को बनके तैयार हो गई थी। इस बिल्डिंग को 3 अप्रैल 2017 को इसका ओपनिंग किया गया था। इस टावर की ऊंचाई तकरीबन 555.7 मीटर यानी कि 1823 फीट है और टोटल 123 मंजिले हैं और ये पूरा प्रोजेक्ट 32 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इस बिल्डिंग को कोहन पेडरसन फॉक्स द्वारा आर्किटेक्चर किया गया है और इसे लेस्ली ई रॉबर्टसन एसोसिएशन द्वारा इस कंस्ट्रक्शन का काम किया गया था। इस बिल्डिंग को बनाने में करीबन 10 बिलियन यूएसडी डॉलर का खर्च हुआ था। इसके बाद नंबर 6 पे है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। इस टावर को WTC और फ्रीडम टावर से भी जाना जाता है। ये इमारत अमेरिका की सबसे बड़ी इमारत है और दुनिया की नंबर 6 पे सबसे बड़ी इमारतों में शामिल है। 27 अप्रैल 2006 को इस बिल्डिंग की नींव न्यूयॉर्क सिटी में रखी गई थी, जहां पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ करता था, जिसे 2001 में आतंकवादी हमले ने गिरा दिया था और 3 नवंबर 2014 को ये बनके तैयार हो गई थी। इस बिल्डिंग की ऊंचाई करीबन 541.3 मीटर है यानी कि 1770 फीट है। करीबन 35 लाख स्क्वायर फुट में ये पूरा प्रोजेक्ट फैला हुआ है। इस बिल्डिंग को डेविड चाइल्ड द्वारा आर्किटेक्चर किया गया है, जिसने बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग का आर्किटेक्ट किया है और टिशमैन कंस्ट्रक्शन को इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया था। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तैयार करने में करीबन 3.9 बिलियन यूएसडी डॉलर का खर्च हुआ था। इसके बाद नंबर 7 पे है गुआंगजोउ CTF FS टावर। वाह, क्या नाम है, चक्कर आ गए। इसका पूरा नाम है गुआंगजोउ चोंताओहू फाइनेंस सेंटर। ये चाइना की तीसरी सबसे बड़ी इमारत है और वर्ल्ड की नंबर 7 पे है। इस इमारत को 29 सितंबर 2009 को इसकी नींव रखी गई थी और 3 अक्टूबर 2016 को इसे तैयार करके ओपन किया गया था। इस इमारत की ऊंचाई 530 मीटर यानी कि 1739 फीट है और इसे 54,000 स्क्वायर फुट की जगह में बनाया गया है। इस टावर में ऑफिस के साथ साथ होटल, रेसिडेंसी, शॉपिंग मॉल भी शामिल है और ये 116 माल की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग को अमेरिकन आर्किटेक्चर कोहन पेंडरसन फॉक्स द्वारा आर्किटेक्चर किया गया है और कंस्ट्रक्शन का काम चाइनीज स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग द्वारा किया गया है। इसे बनाने में करीबन 13.9 बिलियन चाइनीज करेंसी का खर्च हुआ था। इसके बाद नंबर 8 पे है सिटिक टावर, जो चाइना जोन नाम से भी जाना जाता है। ये चाइना की नंबर 4 सबसे बड़ी बिल्डिंगों में से एक है और दुनिया में नंबर 8 की बिल्डिंग है और ये 109 माले की गगनचुंबी इमारत है। इसकी ऊंचाई करीबन 528 मीटर है यानी कि 1732 फीट। 19 सितंबर 2011 को इस टावर की नींव रखी गई थी और 18 अगस्त 2018 को इस टावर का काम खत्म होते ही इसे ओपन करार दिया गया था। ये प्रोजेक्ट टोटल 46 लाख स्क्वायर फुट में फैला हुआ है और सिटिक रियल एस्टेट इसका कंस्ट्रक्शन का भी एक हिस्सा है। इस इमारत को बनाने में करीबन 15.1 बिलियन चाइनीज करेंसी का खर्च हुआ था। इसके बाद नंबर 9 पे है ताइपेई 101। ताइपेई एक फाइनेंशियल सेंटर है जो खुद इस टावर के मालिक भी है, जो ताइवान की सरकार के हाथ में है। 101 माला की ये बिल्डिंग दुनिया की टॉप 10 बिल्डिंग में से नंबर 9 पे है और ताइवान की नंबर 1 ऊंची बिल्डिंग है। 31 जनवरी 1999 में इस टावर की नींव रखी गई थी और 14 नवंबर 2003 को तैयार होके लोगों के सामने रख दिया था। इस टावर की टोटल ऊंचाई 508.2 मीटर यानी कि 1667 फीट है और ये प्रोजेक्ट 44 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। सीवाई ली और सीपी वांग द्वारा आर्किटेक्चर किया गया है और इस कंस्ट्रक्शन का काम सैमसंग CNT KTRT संयुक्त साहस और इस बिल्डिंग को बनाने में करीबन 1.895 बिलियन यूएसडी डॉलर का खर्च हुआ था। इसके बाद नंबर 10 पे है शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर। ये बिल्डिंग शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर को प्राइवेट लिमिटेड यानी कि मोरी बिल्डिंग कंपनी है। ये चाइना की पांचवी सबसे बड़ी बिल्डिंग में से एक है और वर्ल्ड की टॉप 10 में नंबर 10 पे है। अरे यार, ये क्या, वर्ल्ड की टॉप 10 बिल्डिंगों में 5 बिल्डिंग तो चाइना की है।
इस बिल्डिंग की नींव 27 अगस्त 1997 में शंघाई शहर में रखी गई थी और 9 साल के बाद 28 अगस्त 2008 को तैयार होकर इसे खोल दिया गया था। इस टावर में टोटल 101 मंजिलें हैं और ये प्रोजेक्ट 41 लाख स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। इस प्रोजेक्ट को कोहन पेडरसन फॉक्स द्वारा आर्किटेक्ट किया गया है और कंस्ट्रक्शन का काम चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग द्वारा और शंघाई कंस्ट्रक्शन ग्रुप जनरल को द्वारा किया गया था। इस बिल्डिंग को बनाने में 1.20 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च हुआ था। तो आप हमें बताइए कि आपको इन टॉप 10 बिल्डिंग में सबसे अच्छी और खूबसूरत बिल्डिंग कौन सी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपकी कमेंट का इंतजार करेंगे और अब हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।